हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फंडा। सॉरी दोस्तों, आज हम बात करेंगे द हिंदू और करंट अफेयर की तैयारी कैसे करें। और जो इन एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो हैं सबसे पहला यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, यूपीएससी सीडीएस, एफकेट एग्ज़ाम एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिनमें करंट अफेयर और द हिंदू का यूज़ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम, इन दोनों में भी करीबन करीबन 6 महीने का टाइम है, और आप अच्छे से करंट अफेयर और हिंदू से पढ़कर करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी एग्ज़ाम भी जैसे एफकेट वाला है, हर 6 महीने में होता है, तो 6 महीने इसके भी लगा सकते हो आप, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है। अभी तो 1 महीने बाद ऐसे एफकेट और 5-6 दिन बाद ही आपका सीडीएस का एग्ज़ाम है। ठीक है, वो आप देख लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। देखिए दोस्तों, आज 29 जनवरी है। ठीक है, हम आज के न्यूज़पेपर की बात करते हैं, आपको कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना होता है और क्या चीज़ छोड़नी होती है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो मेनली जो सारे एग्ज़ाम हैं, उनमें जो मेन जो टॉपिक रहते हैं वो रहते हैं पॉलिटी, कल्चर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, स्पोर्ट्स, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ होती है हमारी, कोई रिसर्च होती है, इस टाइप से न्यूज़। ठीक है ना, तो हम ये देखेंगे कि हमें किस टाइप की न्यूज़ जो आएगी हमें वो पढ़नी है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम पॉलिटी की अगर बात करते हैं मान लो, ठीक है, तो पॉलिटी में हमें पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी है, एक भी नहीं पढ़नी है। ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ हो रहा है, ठीक है, कहीं पर कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल न्यूज़ का कोई लेना देना नहीं है। आप पंजाब में कुछ भी हो रहा है, चाहे कोई दिक्कत नहीं है हमें, उससे कोई मैटर नहीं है, एग्ज़ाम में वो नहीं आएगा। ठीक है, बस फाइनल हमें पता होना चाहिए कौन वहाँ मंत्री बना, कौन वहाँ का गवर्नर है। सीधा बस ये दो क्वेश्चन हार्डली आ सकते हैं, या फिर ज़्यादा ज़्यादा आएगा तो ये आ सकता है कि किसने कितनी सीटें जीती, वो सब इलेक्शन के बाद न्यूज़ में आप पढ़ ही लेते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, पढ़ना क्या है पॉलिटी में दोस्तों, हमें जैसे असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे सीजीएल और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए हमें जैसे सबसे पहले जैसे कोई कानून कोई लॉ बनाता है, ठीक है, उसको पढ़ना है, ऑर्डिनेंस कोई पास करता है उसको पढ़ना है, कोई डिसीजन देती है सुप्रीम कोर्ट उसको पढ़ना है, किस चीज़ पे बैन होता है उस पर पढ़ना है, कोई अमेंडमेंट करती है सरकार उस पर पढ़ना है। ठीक है, इस टाइप की जो न्यूज़ होती है ना, उनके ऊपर हमें मेनली फोकस करना होता है, वही यूपीएससी और सीजीएल में आती है। ठीक है, अब मैं यूपीएससी और सीजीएल नहीं बोलूँगा, सीधा एग्ज़ाम बोलूँगा। ओके, बाकी एग्ज़ाम तो है ही इंक्लूडेड, उनको मत भूलना। ठीक है, उसके बाद जैसे कल्चर में है, ठीक है, कल्चर में क्या होता है, कई बार जैसे कोई मूर्ति मिल गई है, ठीक है, खुदाई की है वहाँ पे, कोई सभ्यता मिल गई है या कोई मूर्ति मिल गई है, इस टाइप से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है तो वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी में क्या होता है, ज्योग्राफी में जैसे ज्योग्राफिकल फैक्ट होते हैं जैसे, ठीक है, कुछ भी जैसे कहीं पे आपको कोई आ गया है, ठीक है, वर्ल्ड से हमें कम लेना देना है, इंडिया से ज़्यादा है। ठीक है, सुनामी आ गई, साइक्लोन आ गया, इस टाइप से न्यूज़ है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनवायरमेंट की न्यूज़ है, जो साइंस की न्यूज़ है, स्पोर्ट्स में है, कौन किसने क्या मेडल क्या जीता है, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मेडल ऐसा नहीं है सब कुछ पढ़ना है, वो मैं बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, वीडियो में देखेंगे हम। ठीक है, डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ है, जैसे कोई भी इंडक्शन हुआ किसी प्लेन का, सबमरीन का, या कोई हटाया गया है, ठीक है, एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज कोई हो रही है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उनके ऊपर फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। ठीक है, जो सबसे पहला पेज होता है दोस्तों, वो मेन पेज होता है, उसके ऊपर थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम देना होता है। ठीक है, कई बच्चों की दिक्कत आती है कि सर 3 घंटे में मेरे न्यूज़पेपर ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए वीडियो बनाई जा रही है कि आप जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म कर सकते हैं अच्छे उससे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो ऐसे यहाँ पे फंड में इन लिखा है, फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर एस एम कृष्णा क्विट्स कांग्रेस, बिल्कुल छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है जी हमारा, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन करी, क्या किया क्या नहीं। ठीक है, उसके बाद है माल्या गोट आईडीबीआई लोन विदाउट क्रेडिट रेटिंग से सीबीआई चार्जशीट, नहीं जी इससे भी कोई मतलब नहीं है, फाइनल जो वर्डिक्ट रहेगा इनके उसमें वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद डायनेस्टी एंड पावर प्ले, नहीं न्यूज़ पॉलिटिकल न्यूज़ है, काटा। ठीक है, उसके बाद है रोजर फेडरर विल टेक ऑन राफेल नडाल इन द फाइनल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन, बस यहाँ से मैं बस इतना पता चल गया, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये न्यूज़ हमारे काम की नहीं है, सीधा जब ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा जो जीतेगा हम उसके बारे में पढ़ेंगे सीधा। ठीक है ना, उसके बाद बढ़ते हैं। अब जैसे ये है ट्रंप रिस्ट्रिक्ट एंट्री फॉर 7 मुस्लिम नेशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, इसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीधा ट्रम्प ने क्या किया है, 7 मुस्लिम नेशन है जो उनको बैन कर दिया सीधा, मतलब उनकी एंट्री यूएसए में नहीं होगी। ठीक है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक, उसके बाद है इलेक्शन कमीशन, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट कैन नॉट बाईपास अस, इलेक्शन कमीशन कहता है कि मिनिस्ट्रीज है वो हमें बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे जो हम जो कहते हैं उस बात को मना नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन है कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, आपको पता होगा दोस्तों, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद ये है स्पोर्ट्स की न्यूज़ है, सेरेन आफ्टर स्ट्रॉम, ठीक है, सिस्टर्स शाइन, सेरेना विलियम री
रोट हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट वुमन प्लेयर टू विन अ रिकॉर्ड ग्रैंड स्लैम, ये वो जो भी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपको ऐसे वीडियो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, वो सारे जो वीडियोज़ हैं वो सिविल सर्विसेज के लिए हैं, ठीक है। और सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जैसे सेरेना विलियम्स ने फलाने खेल में क्या जीता क्या नहीं, ठीक है। उसमें दोस्तों मतलब डीप क्वेश्चन थिंकिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, और सीजीएल वगैरह में एफ के टाइप में यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। सीधा पूछ लेंगे भी ये अवार्ड किसने जीता है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं आएगा सिविल सर्विस में, ठीक है ना। तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, वरना वैसे यूट्यूब पे वीडियो बहुत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर दोस्तों जो ये वाला पैनल होता है, ये ब्रीफ होती है, ब्रीफ स्टोरी होती है, जो डिटेल होती है ना, आधा तो कुछ तो ये होता है, कुछ मेन पेज पे होता है, ठीक है। जैसे सुनंदाज डेप्थ प्रोब इंक्लूसिव, ठीक है, इसमें कुछ कह रहे हैं, ये थोड़ा सा देख लेना अगर पढ़ने का मन करे तो, ठीक है, नहीं तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। राजीव सैंड मिनिस्टर टू प्लेकेट USCIA मेमो, ठीक है। अभी जैसे कहता है इंदिरा गांधी असैसिनेशन वाज अ बिग ब्लो, अब ये थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ बात अगर जैसे नई आई होगी तो इन्होंने ये न्यूज़ दी है, तो ये थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। मतलब क्या है, ये ऐसा नहीं है कि आपको एक ये सिंगल वीडियो देखने से ये हो जाएगा कि हाँ हमें सीधा पता चल गया कि हाँ ये पढ़नी है, ठीक है। डेली न्यूज़ बदलती भी रहती है, तो आप जैसे मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ क्या छोड़ना है, तो उससे क्या होगा, आप जैसे 2 4 दिन पढ़ोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, नहीं यार ये न्यूज़ है ही नहीं पढ़ने की, टाइम खराब करने वाली, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों ये वाली न्यूज़ है, जैसे यूपी मैनिफेस्टो, बीजेपी प्रोमिसेस राम टेम्पल 1 GB डाटा। अब लोग तो पीछे भाग लेंगे डाटा के, हाँ भाई बहुत काम की न्यूज़ है, 1 GB डाटा दे रही, बिल्कुल भी मतलब नहीं है, मत पढ़ना, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सरकार को कोई मतलब नहीं है, वो 1 GB डाटा दे रहे, क्या दे रहे, वो वैसे भी ये मैनिफेस्टो है, करते कुछ है नहीं नेता लोग, ठीक है ना, तो ये नहीं पढ़ना है। उसके बाद है फडनविस ब्लेम्स सेना फॉर सैफरन लाइन स्प्लिट, कोई काम की नहीं है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, ठीक है। उसके बाद बंसाली फिल्म शूट अटैकर्स रिलीज्ड, ठीक है। अब भंसाली जी को थप्पड़ मार दिया, तो इसमें दोस्तों यूपीएससी ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा किसने किसको क्या थप्पड़ मारो क्यों बना, हाँ लेकिन ये जो पूछ सकता है कि ऐसे ऐसे उनके साथ केस हुआ था तो वो क्या कर रहे थे, ठीक है। मूवी का नाम है तो ऑब्वियस सी बात है, जब भंसाली का नाम लेंगे तो वो ये उनको पता ही है, बच्चों को भी पता होगा कि वो डायरेक्टर हैं, तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ पे कि कौन सी मूवी का शूटिंग वहाँ चल रही थी, ठीक है। तो ये पद्मावती मूवी है, उसके लिए शूटिंग कर रहे थे और जयपुर में कर रहे थे, बस इतना पता होना चाहिए, इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दीजिए। केजरीवाल सेल्स दिल्ली मॉडल टू बादल ट्रफ, बिल्कुल काम का नहीं है जी, बिल्कुल छोड़ दीजिए, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं आता, ठीक है। उसके बाद है स्टिल्थ फ्रिगेट डील इन चॉपी वाटर्स, ठीक है। डिफरेंसिस विद रशिया ओवर प्राइसिंग एंड लोकल कंस्ट्रक्शन विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पढ़ लेना एक बार कि डील वगैरह कोई भी आती है ना फॉरेन के साथ, अगर हमारी कोई डील हो रही है ना तो वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे रशिया वगैरह है, ठीक है, इनसे हमारी डील चलती रहती है, तो वो डील्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई प्लेन वगैरह खरीद रहे हैं हमें ऐसा कुछ है तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। साउथ दिल्ली सिविक बॉडी ब्रेक्स नॉम फॉर नेम सेक, बिल्कुल नहीं पढ़ना है जी, छोड़ दीजिए बिल्कुल, ठीक है। सिटी न्यूज़ दोस्तों, सिटी न्यूज़ वैसे जो देखा जाए ना तो बिल्कुल मतलब ये है, बिल्कुल काटा मार दो, क्योंकि सिटी न्यूज़ का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अब दिल्ली में दोस्तों किसी का टायर पंचर हो गया, किसी का मर्डर हो गया, ठीक है, किसी का कुछ हो गया, किसी का पर्स चोरी हो गया, ऐसी न्यूज आती है इनमें, ठीक है, तो इनकी कोई न्यूज नहीं बनती है। लेकिन कोई स्पेशल न्यूज अगर है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि सीधा आप सिटी सिटी वाला पेज ही छोड़ दोगे, मोटा मोटा देख लेना है कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है तो नहीं, ठीक है, निकलना जाए, ठीक है। जैसे ये कहता है जी मोटार शेल फाउंड इन वसंत कुंज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई मोटार शेल दिल्ली में कहाँ से आ गए भाई एकदम ऐसे, ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी अभी जैसे हमारे 26 जनवरी गया है, तो वहां पे इस उसका हो सकता है, वहाँ कोई हमला हो सकता है, इस टाइप से मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही देख लेना। स्पीडिंग ऑटो रैम्स रैम्स ऑटो टैकी अमंग 4 किल्ड, इंपॉर्टेंट नहीं है जी, बहुत हादसे होते हैं हमारे देश में, कोई किस किस का नाम याद रखे हैं, ठीक है। उसके बाद है नजीब फैमिली क्राइसिस फॉल ओवर पुलिस ट्रेड, बिल्कुल नहीं जी, छोड़ो कोई मतलब नहीं है। 3 नेम्स पिक्ड फॉर एम्स डायरेक्टर, अब जी दोस्तों ये देखो जो डायरेक्टर डायरेक्टर है ना, एम्स का डायरेक्टर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का डायरेक्टर है, कोई मतलब नहीं, जैसा क्वेश्चन कभी नहीं आता, ये आपको पता होना चाहिए, तो डायरेक्ट सीधा ही छोड़ दीजिए, ठीक है ना। हाँ कोई मंत्री वगैरह अगर कुछ है दिल्ली में, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली के मंत्रियों से भी कोई मतलब नहीं है कि आज इसने इसको वो बना दिया, इसे नेशनल मंत्रियों से मतलब है, जैसे कोई मिनिस्टर चेंज हुआ है, जैसे HRD मिनिस्टर कोई और बन गया, ऐसे उनसे मतलब है थोड़ा बहुत, ठीक है, इनसे तो कोई मतलब नहीं है दिल्ली वालों से, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है, ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट पढ़ने लगे आधा घंटा उस पर खराब कर दिया, एडवर्टाइजमेंट में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना दोस्तों, बहुत बार होता है कि कोई फोटो वगैरह आ जाती है, कोई अच्छी लग जाती है तो उनसे पढ़ने लग जाते हैं, या फिर कोई क्या बोलते हैं कोई जॉब वगैरह के लिए आ जाती है, ठीक है, तो उनमें टाइम वेस्ट मत करना है, आपको अपना टाइम पे अखबार खत्म करना है। एक्स मिस्टर आगरा हेल्ड फॉर कार जैकिंग, छोड़िए नहीं काम कोई, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों ये आ गया है दिल्ली का अगला पेज, 10 ड्राउन्स इन कैनाल। नहीं जी, इससे कभी कोई वो नहीं है। ग्रेट ग्रैंडसन अमंग 3 हेल्प फॉर वुमेन्स मर्डर, मर्डर होते रहते हैं जी, छोड़िए। ठीक है, मतलब देख रहे हो आप सीधा, मतलब पेज का पेज ही खाली, कोई काम की न्यूज़ ही नहीं है हमारे काम की। वैसे हम पढ़ते रहते हैं जी, इसकी दादी मार दी, उसने इसका किसी का मर्डर कर दिया, चाचा को किडनैप कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये आ गई ना, ये वो वाली मोटार वाली न्यूज़, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोटार शेल फाउंड इन वसंत कुंज, ठीक है ना, तो इस न्यूज़ को आप जरूर पढ़िएगा। NSG का भी जिक्र देखो इसमें यहाँ आ रखा है। ठीक है, उसके बाद जैसे दोस्तों ये लिखा है, सिसोदिया 6 इन्फो ऑन सोशल मीडिया कंपेनिंग बाय सेंटर। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है जी, छोड़िए। एल्डरली वॉन्ट एक्सक्लूसिव कोच इन मेट्रो ट्रेन्स। ठीक है, ये क्या कहते हैं जी, जो बड़े आदमी हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनको कोच चाहिए मेट्रो में। ठीक है, मेट्रो का भी कोई चक्कर नहीं, छोड़ दीजिए। वर्डिक्ट इन छोटा राजन्स केस, पासपोर्ट केस ऑन 10 फरवरी। ठीक है, वर्डिक्ट पढ़ सकते हो दोस्तों आप किसी भी, जैसे अभी वर्डिक्ट आया तो इसमें कोई ना कोई वो होगा, ठीक है, कानून वगैरह भी होगा, तो आपको ऐसे याद भी हो जाएगा कि इस लॉ के अंदर इनको बेल मिली है, कुछ भी ऐसा अंदर जो भी। ठीक है, आप ट्रेड विंग्स छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़िए। ठीक है, कोर्ट रिजर्व्स ऑर्डर ऑन DDCA प्ले, छोड़ दीजिए। नो जॉब ऑन कंपनसेट ग्राउंड ऑफ सेकेंड वाइफ, हाई कोर्ट रिजेक्ट वुमन्स प्ली टू डिक्लेयर हर, ये वाला इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये लगा लीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कोई काम किया है ना, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वाला एक बार पढ़ लेना, पढ़ के देखना एक बार क्या है ये, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन पेपर आपने भी देखे होंगे, ऐसी बात नहीं है, प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, पेपर दिए होंगे, तो आपको पता लग जाएगा। मतलब 2 4 दिन तो आपका टाइम खराब होगा कि देखने में कि भाई हाँ ये कैसे पढ़ते हैं कैसे नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर आपको आदत सी हो जाएगी, पता चल जाएगा नहीं ये तो बिल्कुल बकवास है, पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, गो टू पीपल विद रिपोर्ट कार्ड, तिवारी टेल्स कार्डर्स। ठीक है, ये जी इलेक्शन से रिलेटेड है, म्यूनसिपल पोल दे लाइट सफरिंग, छोड़ो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये वही है जी, एक्सीडेंट हो गया था, BMW ने उसके टक्कर मार दी, इसने उसके मार दी, कोई वो नहीं है। रिलेशनशिप कोस सेंसुअल मैन एक्विटेड फॉर रेप, छोड़ दीजिए जी। ठीक है, उसके बाद टू हेल्प फॉर वीजा फ्रॉड, छोड़ दीजिए, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये चीज़ें दोस्तों होती है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, जैसे ये है, रिक्लेम योर पीस ऑफ माइंड वाइल देयर इज स्टिल टाइम। ठीक है, टैक्सेशन एंड इन्वेस्टमेंट रिजीम फॉर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2016 कैन हेल्प यू कम क्लीन वाइल कॉन्ट्रीब्यूटिंग द नेशन बिल्डिंग एंडेवर्स। ठीक है, ये स्कीम है। ठीक है, तो ये थोड़ा पढ़ लेना, इसके फीचर 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। ठीक है, तो कुछ पता चल जाए आपको, है ना, स्कीम्स बहुत आती है कि स्कीम में क्या हुआ था, जैसे सिविल सर्विसेज में 2016 में क्वेश्चन आया था इंद्रधनुष का। ठीक है, वो उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये नॉर्मली वैसे भी आप एक चीज़ और दोस्तों, आप अपने आँख कान नाक हमेशा खुले रखा कीजिए, जैसे जब भी मूविंग ट्रेवलिंग करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जैसे मैंने इस बार दिया था, और जो ये वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो इंद्रधनुष वाला था, ये वाला इंद्रधनुष जो गवर्नमेंट ने वो चलाई थी, तो ये वाला क्वेश्चन जैसे मैंने, वैसे तो मुझे पता था, ठीक है, मतलब पढ़ा था मैंने, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हम, जैसे मैंने ये वाला चीज़ जब मैं ऑटो में ट्रैवल कर रहा था, तो तब मैंने देखा था एक रेलवे स्टेशन के बाहर बोर्ड लगा हुआ था इंद्रधनुष का, तो वहाँ पे उस पर किसान छपा हुआ था, और एक लेडीज थी और एक दो बच्चा था, तो मैंने उसमें मतलब कुछ ज़्यादा नहीं देख पाया, लेकिन मैंने नाम पढ़ लिया था इंद्रधनुष, तभी क्यूरियोसिटी जागी मेरे मन में कि ये क्या चीज़ है, मतलब ऐसे तो होर्डिंग नहीं लगता है कहीं पे ना, तो मैंने जब देखा तो मुझे पता चला इंद्रधनुष के बारे में ऐसे। और वो क्वेश्चन दोस्तों देखो एग्जाम में आया, 2 नंबर का क्वेश्चन मेरे लिए, कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, तो ऐसे आपको मतलब हर चीज़ पे थोड़ा फोकस करना होगा। उसके बाद C22 समिट अट्रैक्ट्स 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नितिन गडकरी हैविंग अ वर्ड विद चंद्र बाबू नायडू एट द सेकेंडरी डे ऑफ CII पार्टनरशिप समिट। देखो दोस्तों कोई भी समिट होती है ना, समिट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये C22 जो समिट है ये अभी चल रही है। ठीक है, तो इसमें इन देखो 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तो हो सकता है क्वेश्चन सीधा यही आ जाए कि कौन सी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन है, या फिर आ जाए कि उनकी समिट कहाँ हुई थी, तो ये विशाखापट्टनम में हुई थी। ठीक है, तो इस टाइप की न्यूज़ पढ़ लेनी चाहिए। कांग्रेस वेटरन SM कृष्णा क्विट्स, छोड़ दीजिए।
एमईजी बेस्ट आरडे कंटिजेंट फ्रॉम सर्विसेज द आर्मी इज मद्रास इंजीनियर ग्रुप। दोस्तों देखो कुछ भी है, डिफेंस की न्यूज़ हम एक दिन छोड़ सकते हैं क्योंकि हमें स्पेशली डिफेंस का एग्जाम है, तो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और वैसे भी इसमें तो डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह, परेड वगैरह से रिलेटेड, CIA सब का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो ये वाली न्यूज़ पढ़ लेनी है। कर्नाटका गवर्नमेंट टू अमेंड एक्ट टू कंडक्ट कंबाला। दोस्तों अभी अभी थोड़े दिन पहले ऑर्डिनेंस पास किया गया था, ठीक है, कि जल्लीकट्टू को फिर से अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो एक ये कंबाला दोस्तों एक ये वो होता है, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना भी जरूरी है दोस्तों, ठीक है। अब देखो अमेंड एक्ट आ गया ना, तो मतलब यहाँ पे कुछ चेंज होने की बात कर रहे हैं, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये पॉलिटी से रिलेटेड है और पेपर में बहुत जरूरी आएगा, ठीक है ना, तो ये चीज़ आप देख लेना। उसके बाद है लॉ अकेडमी प्रिंसिपल बैड फ्रॉम एग्जाम ड्यूटीज, छोड़ दीजिए। शेट्टी टेक्स चार्ज फॉर एज लोकायुक्त, लोकायुक्त पढ़ लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए क्या होता है लोकायुक्त। नहीं सॉरी, लोकायुक्त है तो मत पढ़ना, ठीक है, स्टेट का होगा, स्टेट से कोई मतलब नहीं है, लोकपाल अगर हो तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। आगे दोस्तों नेशन वाले पेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये क्या कहता है, रिफ्यूजीज इन देयर लैंड एज गंगा स्वेलोज होम, ठीक है, नॉट इन द फर्स्ट टाइम दैट द एरिया पीपल हैव बीन डिस्प्लेस, इट हैज़ बीन गोइंग ऑन द फॉर द लास्ट 3 decades। दोस्तों ये गंगा से रिलेटेड है तो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सेना टू ब्लेम फॉर सैफरन लायंस स्प्लिट, छोड़ दो दोस्तों। पीटर इनोसेंट फेल फॉर इंद्रानीज लाइज केम राहुल, नहीं छोड़ो, ठीक है। 3 इंजर्ड इन मोब अटैक ऑन बंगाल पुलिस स्टेशन, छोड़ दीजिए। मुंबई कैबी अरेस्टेड फॉर मोलेस्टिंग ऑस्ट्रेलियन वुमन, छोड़ दीजिए, ठीक है। अगर देखो दोस्तों इस टाइप की न्यूज़ है ना, जैसे ऑस्ट्रेलियन वुमन को वो किया है, ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन कब आ सकता है दोस्तों, जब ये 3-4 दिन लगातार अखबार में चल रहा है कि ऑस्ट्रेलियन वुमन थी, ये थी, वो थी, ठीक है, उसके बाद जैसे केस, जैसे क्या क्वेश्चन क्या आएगा, मान लो आएगा भी तो, कि कौन सी सर्विसेज का वो था, कैबी था वो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उबर ओला ऐसे, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, रेयरली आएगा पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो वोट आईडी भी, ये पहले पढ़ चुके हैं, छोड़ दीजिए। स्टेट्स सीक टू अलाई फियर ओवर MR वैक्सीन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। साइंस के न्यूज़ कोई भी है छोड़ना मत दोस्तों, साइंस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। वाइल देर इज डिसेंट फ्रॉम कर्नाटका एंड कंफ्यूजन तमिलनाडु कंप्लेंस टू इन फ्रॉम पुडुचेरी, ठीक है, ये कोई वैक्सीन है दोस्तों, MR वैक्सीन ये लिखा हुआ है, मिजलिस रूबेला, ठीक है। वैक्सीन वगैरह बहुत आती है दोस्तों एग्जाम में, याद रखना ये चीज़, ऐसी न्यूज़ छोड़नी नहीं है, ठीक है, पढ़ लेना। ऐसे जैसे आप पढ़ोगे ना दोस्तों तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपको, अभी तो काफ़ी लंबी वीडियो बनेगी है मुझे पता है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। वीकेंड है दोस्तों ये, ठीक है, तो संडे वाले दिन वैसे कोई ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती नहीं है, ठीक है। इसका दोस्तों एक अच्छा सोल्यूशन बताऊँ, अगर आप इसे पढ़ना हो ना, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं बताता हूँ, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यूट्यूब पर जाना है, ठीक है, YouTube पे जब आप दोस्तों जाओगे तब आपको सीधा यहाँ पे ठीक है ओनली IAS टाइप करना है, ठीक है ना। ओनली IAS एक YouTube का चैनल है दोस्तों, ठीक है, ये देखिए ओनली IAS काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं सर, ठीक है ना। तो इनकी जो डेली वो होती है ना, जो वीडियोस होती हैं, एडिटोरियल पे भी डालते हैं ये वीडियो और उस पर भी डालते हैं, जैसे ये है, ये न्यूज़ डिस्कशन है दोस्तों, ठीक है, ये कल का था, आज का तो शायद पता नहीं कब, आज का शायद डाला नहीं है इन्होंने, ठीक है, कल का है दोस्तों, जैसे एडिटोरियल है दोस्तों, ठीक है, ये डेली एडिटोरियल डालते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये काफ़ी अच्छा हिंदू में आर्टिकल जो आता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, विद बैकग्राउंड के साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे देखिए शिफ्टिंग गोल पोस्ट ऐसा वगैरह कुछ भी आया हुआ परसों दोस्तों, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, जैसे शुरुआत की बात बता रहा हूँ क्योंकि डायरेक्टली अगर जब आप पढ़ना शुरू करोगे ना तो आपको इतना ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, ठीक है, दिक्कत आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे पहले मतलब 2-4 दिन तो यार एक हफ्ता तक तो कम से कम आप इतना कर सकते हो कि हिंदू से देखा, हिंदू पढ़ा पहले थोड़ा जो समझ में आया, फिर उसके बाद सर की वीडियो देखी, उसके बाद दोबारा से आइए, फिर ये देखिए आपने क्या क्या चीज़ छोड़ी है उनमें, ठीक है ना। तो उससे आपको क्या पता चलेगा क्या क्या चीज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उससे आप एडिटोरियल भी अच्छा पढ़ पाओगे और उसको लिख भी अच्छा पाओगे एग्जाम में, ऐसे वगैरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये एडिटोरियल है दोस्तों। एडिटोरियल में जो हेडिंग होते हैं ना, उससे काफ़ी चीज़ें पता चल जाती है, ठीक है। जैसे अस्टोमक फॉर गट रिसर्च, ठीक है, ये है। वैसे संडे का न्यूज़पेपर ना दोस्तों कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। वैसे कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर चीज़ आती है ना जैसे एडिटोरियल में, तो वो पढ़ना है संडे को। वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो एडिटोरियल आपको सर वाली वीडियो से पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या क्या है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों न्यूज़ की बात कर रहे थे हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए कह रहा था, सर वाली वीडियो का जिक्र मैंने इसलिए किया था, वो एक एक चीज बताते हैं। जैसे दोस्तों ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये पहले बताते हैं कि दोस्तों कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। इन्होंने यहाँ पे ये कट कर रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन्होंने भी ये देखोगे ना आप, तो 2 4 दिन देखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं समझे ना, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों ये आ गए वीकेंड रीडिंग। दोस्तों आज का अखबार इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा नहीं है, संडे है, क्योंकि संडे को इतनी ज़्यादा न्यूज़ नहीं बनती है, मतलब बनती क्या, मतलब इतने ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन छोड़ नहीं सकते हम, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, ठीक है, मंडे का न्यूज़पेपर लेके, पुराना ही सही कोई बात नहीं, लेकिन मंडे का न्यूज़पेपर लेके कि मंडे वाला न्यूज़पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये इंटरव्यू वगैरह मत पढ़ना दोस्तों, टाइम वेस्टिंग होता है, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड काउंट्स, जम्फा लेरी द क्लोथिंग बुक्स, ये ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। अंजुम हसन इन माई हैंड, ये दोस्तों लोगों की आ गई है, ठीक है, वो अपने बारे में ही बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। मैनिफेस्टो है, प्रोमिसिस राम टेम्पल, ठीक है, ये देखो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। राजीव साइड मिनिस्टर टू रिपेयर चेंज टू यूएस सिटीज सीआईए, नहीं। ओडिशा रिजेक्ट पैनल ऑन महानदी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नदी में पैनल कोई बना होगा, मतलब उसके बारे में है, महानदी के बारे में, तो ये पढ़ लेना। 5 सोल्जर रेस्क्यूड फ्रॉम स्नो इन कश्मीर, डिफेंस की न्यूज़ कोई भी मत छोड़ना। 2016 में क्वेश्चन आए थे कि हनुमंथप्पा कौन सी ब्रांच से थे, और क्या बोलते हैं उरी अटैक में जो वो शहीद हुए थे, मुझे सर का नाम नहीं ध्यान आ रहा है, उनके बारे में पूछा गया था, ठीक है ना, सॉरी उरी अटैक नहीं, पठानकोट अटैक, ठीक है, ये वो चोपी वाली थोड़ी सी रहती थी। उसके बाद पैनल रिपोर्ट ऑन इंक्लूसिव ऑन पुष्कर डेथ, ठीक है, ये देख लेना दोस्तों एक बार, काफ़ी पुराना मैटर है, अभी नया वो हुआ है, ठीक है। मोदी कॉल ऑन यू टू इंस्टॉल भीम ऐप, ठीक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि भीम ऐप क्या है, ठीक है, भीम ऐप क्या है और किस कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है, ये इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लेना थोड़ा सा। पीएम वांस ऑफ टफर स्टेप्स टू कर्ब करप्शन, ठीक है, मतलब आगे कुछ स्टेप उठाएंगे मोदी जी, जब उठाएंगे वो पढ़ लेंगे, नॉट इम्पोर्टेंट। राजन अपोज्ड नोट बैन चिदम्बरम, ठीक है, ये देख लेना तो दोस्तों, आरबीआई के गवर्नर ने कुछ अपोज किया है, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, ठीक है, देख लेना। होगी विजय भटकर टू रिमेन इन आरएसएस बॉडी, नॉट इम्पोर्टेंट। न्यू गवर्नर टेक्स चार्ज इन मेघालय, ठीक है, ये नाम नाम पढ़ सकते हो आप इनका, जैसे ये है बनवारी लाल पुरोहित, बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इतना। इलेक्शन वॉच बिल्कुल ड्रॉप कर दो दोस्तों, कुछ नहीं है इलेक्शन में, ठीक है। हाँ इलेक्शन में पढ़ने की चीज़ें क्या होती है दोस्तों, पता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कुछ स्टेप लिया ना, तो वो चीज़ पढ़ने की है, ठीक है, उसको थोड़ा देखना है। अब ये आ गया दोस्तों वर्ल्ड की न्यूज़ आ गई है, ये आ गया वर्ल्ड का पेज, ठीक है ना। टीयर्स रनिंग डाउन द चीक्स ऑफ स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ होगा भाई वहाँ, कि वहाँ से ऐसा न्यूज़ बन के आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये सीरिया वगैरह की, दोस्तों मिडिल ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली, हमारे लिए इकोनॉमिकली भी, दोनों पढ़ लेना, ठीक है। सिलिकॉन वैली फ्रेट्स ओवर इमिग्रेशन पॉलिसी, वो अभी मुस्लिम वगैरह का इन्होंने पंगा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने, तो उससे रिलेटेड न्यूज़ है, पढ़ लेना। ईरान टू बैन यूएस विजिटर रिटेलिएशन, ये भी देख लेना। मिसिंग पाकिस्तानी एक्टिविस्ट रिटर्न होम, दोस्तों थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, पाकिस्तान के कुछ एक्टिविस्ट थे ना, उनको किडनैप कर लिया गया था शायद, ठीक है, तो अब होम घर पे आ गए वो, सॉरी, तो उनके बारे में ये न्यूज़ है, थोड़ा पढ़ लेना। स्वदेश लेडी वॉज क्वेश्चन इन यूएस, ठीक है। चाइना ऑब्जेक्ट टू तिब्बतन लीडर प्रेजेंट एट डिनर, एनेक्सियस रीजन टर्न टू डेस्टोपियन क्लासेस, ठीक है।
ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, ब्रेक्सिट, इंडिया में जो MP वोट हो गया ब्रेक्सिट, ये छोड़ देना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वर्ल्ड से वैसे इतना ज़्यादा मैं मतलब नहीं है, ठीक है ना। बिजनेस न्यूज में क्या पढ़ना है? बिजनेस न्यूज़ में दोस्तों कोई स्कीम वगैरह अगर चलाई है तो वो पढ़ना है, ठीक है। किसी बैंक ने कोई अच्छी स्कीम चाहे वो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। उस कंपनी कितना प्रॉफिट ऊपर हो रहा है, कितना नीचे जा रहा है, कौन नुकसान चल रहा है, किसने किसको निकाल दिया है, किसका कितना बजट बढ़ रहा है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। जैसे एल एंट्री रिसीव रेवेन्यू फोरकास्ट नेट प्रॉफिट इंक्रीज बाय 39%, नॉट इम्पोर्टेंट। इंडिया पोस्ट गेट पेमेंट बैंक लाइसेंस, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो इंडिया पोस्ट क्या है, जो भारतीय डाकघर है ना, उसको पेमेंट बैंक लाइसेंस मिल गया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, ठीक है। बायलेटरल ट्रेड हिट द बाय बैंक रिलेक्टेंस इन ट्रांजेक्शन विद ईरान, नॉट इम्पोर्टेंट। मैन्यू शीन इशूड नीड टू बी रिजॉल्व टू मेक एन डील आइडियल GST, GST इंपॉर्टेंट दोस्तों, पढ़ लेना, न्यूज़ बनती है इस पर। ग्लोबल ट्रेवल टू गेट टफर बट विल नॉट डेटर ग्रोथ, नॉट इम्पोर्टेंट। स्टारबक्स इन साइट ऑफ मैक्सिकन इरग बाय ट्रम्प, वर्ल्ड की न्यूज़ है, छोड़ दीजिए, ठीक है। दोस्तों मैं मंडे का न्यूज़पेपर लेके आपको बताता हूँ, ठीक है। इसमें तो कुछ खास ऐसा मुझे लगा नहीं, आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि सब कुछ ही छुड़वा रहे हैं, पढ़ना क्या है इधर, है ना। डिमोनेटाइजेशन हैज़ हिट एवरीवन, ठीक है दोस्तों। अगर ये जैसे है, ये इंटरव्यू है किसी का, कोशी वी वर्ग किसी, क्या नाम है, ठीक है। तो इसका पढ़ने का वैसे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ऐसे में आप इनका यूज़ कर सकते हो इनका, ठीक है ना। इंटरव्यू पढ़ लेना किसी, जैसे एडिटोरियल में कोई इंटरव्यू आया या वो पढ़ लेना, ये तो कुछ खास ऐसा है नहीं, बाकी देख लेना एक बार, ठीक है। इस टाइप का अगर कोई मिले आपको, इन्वेस्टर्स समिट टू फॉर नॉर्थ ईस्ट टू बिगिन टुडे, ये देख लेना दोस्तों, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आ रही है कहीं से, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंडियन फर्म्स कीन टू रिबिल्ड श्रीलंका फॉर्मर वार जोन, ठीक है, ये देख लेना दोस्तों। अपने पड़ोसी देश हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे इधर उधर, तो इम्पोर्टेंट है। स्टील फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी में इम्प्रूव इन H2, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद फोर्ड ब्रेसिस फॉर $60 मिलियन, ब्रेक्सिट करेंसी हिट सेज इट यूरोप चीप, छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया कि छोड़ दीजिए, हो सकता है इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो, ठीक है। वो मैं आपको वैसे मोटा मोटा बता रहा हूँ कि आपको छोड़ना क्या है, ठीक है ना। उससे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चल जाएंगी, जब खुद करोगे ना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है ना। इट्स नंबर 23 फॉर सेरेना प्रोफेशनल एरा रिकॉर्ड, ये पढ़ लेना दोस्तों, नया रिकॉर्ड बनाया इस बंदी ने, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब जैसे ये है लेगेसी इंटैक्ट, आई एम डिसअपॉइंटेड ऑन लूजिंग अ मेडल बट इट वॉन्ट टेक फ्रॉम वट आई हैव डन थ्रू आउट माई कैरियर बिकॉज आई हैव वॉन माई इंडिविजुअल इवेंट्स। इनसे भी मेडल छीन लिया गया है, ये कुछ उसमें फंस गए थे, तो इनकी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ओलंपिक में इन्होंने वो मेडल जीता था और कौन सी रेस में जीता था दोस्तों, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है ताकि आपको याद रहे। येट अनदर ड्रीम फाइनल, अब ये फाइनल में पहुँच गए, उसके बाद देखेंगे हम क्या कुछ इन्होंने किया है, छोड़ दीजिए। आदिबन होल्स अनिश गिरी हारी सेटल फॉर ड्रॉ, छोड़ दीजिए। उसके बाद दोस्तों जैसे कोई अलग से वो जीतते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया, इस टाइप के न्यूज़ हैं। बाकी लोकल लेवल पे तो रणजी पणजी तो बहुत चलती है भाई, कबड्डी वगैरह क्या क्या याद रखोगे आप, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। इजी फॉर साउथ अफ्रीका, छोड़ दीजिए। यूरोपियन लीग 10 मैन होफिन, छोड़ दीजिए। मेडन विंस फॉर चेन्नई सिटी, छोड़ दीजिए। सुमित अश्विनी कॉम्बो स्टील्स द शो, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, ये पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना। जैसे पता है आधी चीज़ों को तो यहीं से पता लग जाता है कि इंपॉर्टेंट है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ, अश्विनी पोनप्पा एंड सुमित रेड्डी पुल्ड ऑफ एन अपसेट नॉकिंग आउट द वर्ल्ड नंबर 4 डेनिश पेयर ऑफ, जो नाम लिखा हुआ है ये, ठीक है, इन्होंने नॉकआउट कर दिया उन्हें, ठीक है। और ये कहते हैं कि भाई पढ़ लेना, मतलब क्वेश्चन स्पोर्ट्स के भी आते हैं तो हमारे भी यही पूछ लेंगे सीधा कि अश्विनी पोनप्पा है वो कौन से गेम से रिलेटेड है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ तो याद ही रहेगा आपको, ठीक है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वैसे इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट जैसे ली हिनसिंग यांग हैज़ द लास्ट लाफ, ठीक है, विनर बॉय सिंगल IIT क्या लिखा हुआ है भाई, जूनियर सर्किट फाइनल, छोड़ दीजिए दोस्तों, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जेम्स हार्डन क्रिएट हिस्ट्री, भाई इसने कुछ कर दिया ऐसा, इसका नाम आया तो देख लेना है, हिस्ट्री बना दी भाई, ठीक है। स्टेज सेट फॉर एन एग्जिस्टिंग लेग ऑफ डेजर्ट स्टॉर्म, उसके बाद है, छोड़ दीजिए। स्कूमेचर मासन कम्स अप ट्रम्प्स,
वन द ओपन रेस ऑफ थर्ड राउंड ऑफ MRF चैलेंज 2016। भाई इसका नाम याद रखना, और भाई क्या जीता था इन्होंने ये पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए ठीक है। अदिल कल्याणपुर प्लेस्ड विद नडाल ट्रेनिंग, ठीक है। अदिल कल्याणपुर हु हैज़ बीन ट्रेनिंग एट द राफेल नडाल अकेडमी इन स्पेन फॉर द लास्ट फ्यू मंथ इज शोइंग प्रोमिस, छोड़ दीजिए। अ चैलेंज चांस फॉर प्ले, दोस्तों पता है क्या ऐसे है तो यार कब तक क्या क्या कौन कहाँ पे क्या ट्रेनिंग ले रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इन्होंने अगर कुछ जीता है ना तो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बस, ठीक है। अ चांस फॉर प्लेयर्स टू इम्प्रेस IPL स्काउट, नॉट इम्पॉर्टेंट। एशियन जूनियर मीट फ्रॉम फेब्रवरी, नो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद इंडिया सिक्स रिडम्पशन, क्रिकेट लाइक रिफॉर्म नीडेड इन अदर स्पोर्ट्स फेडरेशन टू, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। अभी अभी दोस्तों जो उसमें क्रिकेट में अभी जो उनको निकाल दिया गया है, कमेटीज़ बनी थी। अच्छा आप एक बात बताइए, कौन सी कमेटी, उस कमेटी का नाम बताइए दोस्तों जिन्होंने वो वर्डिक्ट दिया था, ठीक है। मतलब जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि ऐसे ऐसे क्रिकेट में सही नहीं हो रहा है, उनको निकालिए आप। तो BCCI के चीफ का नाम क्या है और कौन सी कमेटी थी जिसने रिकमेंड किया था कि रिफॉर्म्स आने चाहिए क्रिकेट में, ठीक है। उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। डचमैन सेयर्स टू बी द नेक्स्ट इंडियन वुमेन कोच, नॉट इम्पोर्टेंट। तेंदुलकर अ मोनग्यूज एंड सीक्रेट ऑफ विनिंग, नॉट इम्पोर्टेंट। रजनी आउटिंग अ मोरल बूस्ट ऑफ अ चाइल्ड, नॉट इम्पोर्टेंट, छोड़ दीजिए दोस्तों, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते कभी भी, ठीक है ना। वही है जो बता रहा था मैं, भाई कुछ जीता है कुछ ऐसा किया है तो वो इम्पोर्टेंट है। लाइफ और साइंस, लाइफ की जगह साइंस होता है दोस्तों और दिनों, ठीक है ना। नासा मार्क्स 50 ईयर ऑफ अपोलो 1 फायर, देख लेना दोस्तों कुछ किया होगा, नासा की न्यूज़ है भाई, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों वेटरन ब्रिटिश एक्टर जॉन हार्ट, नो मोर, छोड़ दीजिए। ये भाई ये सनी कोई रेड पांडा है, इसने वर्जीनिया जू को छोड़ दिया, हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। संडे मैगजीन, दोस्तों संडे में पहले ही कह चुका हूँ इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं आती है, ठीक है। ये थोड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है भाई। एनाटॉमी ऑफ अ प्रोटेस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ अकाउंट ऑफ जल्लीकट्टू एजिटेशन चेन्नई हैड द मेकिंग ऑफ रिवोल्यूशन बट एंडेड इन अ रोइट, दंगे हो गए भाई, मरीना बीच का जिक्र है, ये पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। इस टाइप से है ना, इससे दोस्तों बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार, जल्लीकट्टू से, आपस पास से, उसके बाद अपना जो GST है इससे, उरी अटैक से, ठीक है। इनसे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं डेफिनेटली, क्योंकि मेन न्यूज़ यही है हमारी इसकी, है ना। प्रे फॉर द बर्ड्स, वन मैन इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइजीरिया वुड बी वल्चर्स लास्ट होप, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये ऐसे ही है बस, स्टोरी टेलर वगैरह क्या है ये फिल्मों के बारे में बताने लगे। संडे का इम्पोर्टेंट अखबार नहीं होता दोस्तों इतना ज़्यादा, लेकिन बस एक बार, लेकिन ये है न्यूज़पेपर तो पढ़ना है ना हमें, ठीक है। बस ये इतना ही है, ख़त्म होने वाला है ये, इनकी स्टोरी चलेंगी भाई कौन क्या लिखता है, ठीक है। अपने इंटरव्यू छापते रहते हैं, ठीक है। हो सकता है एक आधी न्यूज़ रह गई हो, लेकिन ऑलमोस्ट जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैं जो छोड़नी थी वो मैंने आपको बता दिए। इनमें दोस्तों देखो साइंस का, एनवायरनमेंट का ऐसा कुछ भी नहीं आया जो मैं आपको बताता, ठीक है। और हिस्ट्री का भी नहीं आया, कल्चर का भी नहीं आया, पॉलिटिक की न्यूज़ आई है तो वो देख लेना, और स्पोर्ट्स का देख लेना थोड़ा, ठीक है। मंडे का न्यूज़पेपर दोबारा लेंगे हम, उससे को देख के करेंगे, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों आपको और क्या करना है, ठीक है। इसका एक अल्टरनेटिव है दोस्तों, छोटा अल्टरनेटिव है, लेकिन हिंदू अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है ना तो हिंदू ही पढ़िए आप, क्योंकि अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम थोड़ा मतलब ये लगता है बोर हो जाते हैं हिंदू पढ़ के, ठीक है, तो आप ये एक वेबसाइट है दोस्तों, इस पर न्यूज़ पढ़िए, ये तो बेस्ट है मतलब, ठीक है। इसमें मतलब क्या है, जो हिंदू है ना वो सारी न्यूज़ मतलब हिंदू की ऑलमोस्ट यहाँ मिल जाती है आपको, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, वेबसाइट अच्छी है काफ़ी, इसका नाम है newsonair.com, ठीक है। ये थोड़ा इशू है वीडियो में तो मैं इसलिए दिखा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें सब कुछ हर चीज़ का, वैसे गवर्नमेंट कन्वेंस ऑल पार्टी मीट टुमारो हेड ऑफ बजट सेशन, ये देखो, देखिए
इलेक्शन कमीशन बैन एग्जिट पोल बिटवीन फरवरी फॉर मार्ट एंड इट पर बाउंड स्टेट आर्मी चीफ पे होमेज टू अमित मेजर अमित सागर हुए लॉस्ट इन लाइफ लॉन्चे ठीक है। अब जैसे ये आ जाएगा, इनका ही नाम आ जाएगा भाई, अमित सागर हैं, कौन सी बटालियन से हैं ठीक है, और उनको क्या हो गया था ऐसे इस टाइप से ठीक है ना। ये देखिए नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, स्टेट न्यूज़ है, बिजनेस न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ है दोस्तों ठीक है। ये देखिए दोस्तों, रोजर फेडर बीट्स राफेल नडाल इन थ्रिलिंग 5-set फाइनल है ना, हमने न्यूज़ में पढ़ा था ना कि हम फाइनल में देखेंगे, उनका फाइनल हो गया देखो दोस्तों। तो रोजर फेडर ने राफेल नडाल को धो दिया है ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन इस टाइप से ठीक है। तो ये बेनिफिट करेगा आपको, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। तीसरा है दोस्तों pib.nic.in, मैं उसमें आपको टाइप करके बता दूंगा, क्या इसमें थोड़ा दिखा नहीं पा रहा हूँ ठीक है। PIB की न्यूज़ भी आप दोस्तों देखना, इसमें क्या होता है गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं ना, देखो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया pib.nic.in ठीक है। ये है जैसे जितने भी है ना, ये जैसे स्कीम वगैरह सब चलती ही रहती है इसमें, तो इनसे भी दोस्तों क्वेश्चन बन जाता है कई बार स्कीम के बारे में पूछ लें। जैसे इंद्रधनुष थी जैसे पिछले साल, वैसे ही थी देखो। जैसे दोस्तों PM मैसेज ऑन द ओकेजन ऑफ एंटी लेप्रोसी डे, क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एंटी लेप्रोसी डे किस दिन मनाया जाता है ठीक है। उसके बाद है दोस्तों मन की बात, एक प्रोग्राम था PM का हमारे का, ठीक है आज इसमें कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे ठीक है। लेकिन स्कीम्स इसमें आती रहती है, जैसे NEC नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एंड द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन शिलोंग टूडे ठीक है। ये जैसे ये है इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना थोड़ा, 2 मिनट ही लगेंगे इसमें, कोई ज़्यादा नहीं ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना, जैसे आपका अगर रिलीज हुआ था तो जैसे उनके नोट्स आप बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आप खाली न्यूज़ भी पढ़ लेते हो ना, तो 100% में से 60 से लेकर 70% चांस ये होते हैं कि आप ऑप्शन को ना एलिमिनेशन कर पाओगे ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कर पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ध्यान आ ही जाएगा, हाँ भाई यार ये मैंने पढ़ा हुआ था, इसका आंसर ये हो सकता है ठीक है। अगर नोट्स बना सकते हो तो द बेस्ट है, उसका अल्टरनेटिव तो कोई है नहीं ठीक है ना। तो ऐसे देख लेना, ये आपका दोस्तों हिंदू भी हो गया कवर, वो भी हो गया ठीक है। वेबसाइट में दोस्तों आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है वेबसाइट थी दोस्तों आपकी ये वाली pib.nic.in, एक तो ये थी ठीक है, और दूसरी वेबसाइट थी दोस्तों newsonair.com ठीक है ना। ये दो वेबसाइट है, इनसे आप देख लेना दोस्तों ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए दोस्तों, मैं आपका कमेंट में बताऊंगा कि क्या क्या आपको और इशू है ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बार जल्दी जल्दी से ना हम एक किसी और दिन की संडे को छोड़ के, क्योंकि आज बहुत ही लेस न्यूज़ थी, मतलब ऐसी जो इंपॉर्टेंट थी ठीक है ना। मंडे वगैरह की वीडियो भी देखते हैं हम बनाएंगे ठीक है। और अगर कोई क्वेरीज वगैरह हैं, एक क्वेश्चन पूछा था मैंने वो क्रिकेट वाला, वो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल पे। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और काम की वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।